एस पी सिंह अबराए का नाँ कोई जान पहचान तो मुहताज नहीं हैं। वो इस वेले उन जरूरतमंदा की मदद कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोड़ है। खास करके इस वेले जिहड़ा पखवां मुद्दा है वह है 10 नौजवान मुंडिया का, जो पंजाबी नौजवान है वह दुबई की जेल में फांसी की सज़ा भुगत रहे थे। उन्हों का केस भी उन्होंने पैरवाई की, तो वह बड़ी खुशी की गल है कि वो जो केस है वो मुंडिया के हक च हो गया। वो जी ब्लड मनी है वो डॉक्टर एस पी सिंह अबराए होना की संस्था जी है उन्होंने दिती है। तो असी गलबात करांगे इस वे दुबई असी गुरुद्वारा साहब के बैकग्राउंड से हैं। डॉक्टर एस पी सिंह अबराए जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं एड्डा वड्डा उपराला कीता ते एड्डा वधिया जिहड़ा कार्ज है वह सिरे चढ़िया, अज्ज बहुत सारियां जानां जिहड़ियां तुसीं ओह बचाईआं, की कहना चाहोगे इहदे बारे? ये जो केस चला चल रहा सीगा अलैन दी कोर्ट दे विच, जुलाई 2015 नूं एक झगड़ा होया सी, ग्रुप फाइटिंग हुई सी जिहदे विच कि कुछ बंदे जख्मी हो गए सी, उन्हां चों एक जिहड़ा पाकिस्तानी पिशावर दा जिहड़ा लड़का सीगा उहदी डैथ हो गई सी। और यह केस चलदे चलदे टोटल 11 बंदे सी इहदे विच, उन्होंने 11 विचों 26 अक्तूबर नूं जिहड़ा साडे मानयोग कोर्ट जिहड़ी है उन्होंने डिसीजन लिया कि 10 बंदिआं नूं फांसी सज़ा दित्ती जांदी है और एक बंदे नूं रिहा कर दित्ता गया। इस तो बाद फिर 7 अप्रैल उन्हां सारी कट्टिया गया, दसंबर महीने में 7 दसंबर जरा सी केस अपील कोर्ट आ गया। उस तो बाद पहली तरीक जी पी 21 दसंबर पई, उस तो बाद 23 जनवरी 27 फरवरी डेट पई, और जो लास्ट डेट पाई वह 22 जी सी परसों लंघ के गई है, 22 तरीक लास्ट डेट पाई गई। इन चार केसा चार डेटा के असी अपने बंदे भेज के उन्हों की जिहड़ी कि फैमिली से उन्होंने असी कॉन्टैक्ट किया जाके पेशावर के, कॉन्टैक्ट करने तो बाद असी उन्होंने एग्री किया कि तुम कंप्रोमाइज़ करो सानू कि जिते तुहाडे बच्चे की डैथ हो गई है वो तो अभी वापस नहीं लिया सकते, लेकिन ये करके हम 10 होर जिहड़ियां जो उन्होंने फांसी दे दी जाती है 10 फैमिलियां होर सफर कर दी जी। इस चीज़ को करदे आ उन्होंने मनाया गया, उत्थे पेपर तैयार किए गए, फिर 4-5 दिन पहला जो असी उन्हें फादर में उन्हें एक रिश्तेदार से उन्होंने असं इतने लैके आए, टिकटा भेजिया और सारे खर्चे किए, वीजे किए, फोटो स्टे कराई, फिर असी जाके कोर्ट च पेश हो गए 22 तरीक सवेरे। तो जज साहब ने उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम जरा कर रहे हो तुम की चाहते हो, खून का बदला खून चाहिए तुम्हें कि जब तुम इन्हों माफ़ करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, असी ब्लड मनी लैके तो असं इन्हों माफ़ करना चाहते हैं, असं यह फैसला किया। तो फिर जज साहब ने पूछा कि तुम ब्लड मनी मैंने किस तरह कि देखा जी असं पैसे ना लैके आए हैं, तो जिनी ब्लड मनी बनती है कानून के मुताबिक शरीयत लॉ के मुताबिक वो असं देने को तैयार। फिर उन्होंने फाइल क्लोज करके उन्होंने कहा कि उम्मीद यो है भी हम छता जाएगा। आम तौर पर जिम्मे पहला भी 17 जो नौजवान जो छाए थे उदों भी इसे प्रोसीजर केस चलिया, जो ब्लड मनी का जो हो गया तो उस तो बाद जज ने वो डिक्लेयर करता से भी उन्होंने कोई फांसी नहीं होगी, जी फांसी की सज़ा माफ होनी है वो डिपेंड करता है जिला जिन्हों का बच्चा मरिया जिला विक्टिम फैमिली है उन्होंने ऑलरेडी हो गई उन्होंने स्टेटमेंट करते नहीं पैसे लेके माफ करते हैं जी जी पैसे से माफ करते हैं वो जी स्टेटमेंट उन्होंने होनी कोर्ट हो गई जो मेन मुताबिक जो मेन थी कि फांसी करने की माफ हो जाएगी। उस तो बाद जी थोड़ी बहुत क्योंकि स्टेट वर्सेस केस बन जाता है इलीगल से बंदे शराब का काम करते चलता भी हो तो वो भी जी सरकार जरा अपना स्टेट वर्सेस जरा केस है वो जज साहब जिनी सज़ा देंगे उन्होंने वो जज साहब भी दसेंगे कि कितनी सज़ा दे। सारे जो नौजवान से पंजाब से रिलेटेड से जो बच्चे सारे पंजाब जो जो मर्डर वो पाकिस्तान पेशावर का पेरेंट्स कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल सारा जो ब्लड मनी आप सारा कुछ जी कोर्ट जमा कराते इतने पैसे कैश नहीं दे सकते कोर्ट पैसे जमा जो उन्होंने पेरेंट्स से पाकिस्तान रेंजर से किए सारा बंदोबस्त करते हैं? मैं तो टीम भेजी अपनी सभी पहले एक बार टीम गई जाके उन्होंने गलबात की और फाइनल नहीं हुआ नहीं अग्री किए फिर दोबारा साड़ी टीम गई फिर 3 बारी साड़ी टीम गई जाके उन्होंने उन्होंने कुछ रिश्तेदार में पा के उन्होंने एक्सप्लेन किया गया कि तुम देखो लड़की तुम्हें जानी है तो अभी एक लड़की उन्होंने तो उन्होंने बेटे है वाइफ है वो सो वो घर की हालत इन्नी है नहीं अच्छी क्योंकि जिहड़ा इहदा फादर से वो ड्राइवर ड्राइवरी करता सिर्फ तो ड्राइवरी करके जो सारे बच्चे से उन्हें सारे पढ़े थे तो हूँ असं उन्हें यही कन्विंस किया कि तुम इन्ने के पैसे दे रहे हैं जैसे कि रूल के मुताबिक तो जो घर की हालत ठीक हो जाएगी बेटी का विआह हो जाएगा तो बच्चे जो आपको पढ़ लगे। मैं ये एक गल साझी करना चाहना अवैध साहब की इस तरह नहीं होंगे कि
जो तुम इस तरह किसी की हेल्प करते हो यू कितने शायद नहीं मिल जाती जो दुबई खास करके नौजवान रेंगे कि यह भी अगे तो होर जुर्म कर नहीं है क्योंकि जिन्हें मैं केस ले ना जी सारे केस 2006 2007 2008 पुराने केस ने सर जी जी नवे केस कोई नहीं आ रहे पुराने केसा जिन्हें फांसी सजा हो चुकी होंगे हम कोई ना कोई तो आएगा छिड़ान लिया जी जी दूसरी गल यही है कि मैं भी कोई भी केस लैंड पहला मैं पूरा और पूरा देख रहा पूरा छानबीन करता पूरा भी इस केस में कोई जानबूझ के तो नहीं किया गया कदम जी जी इसे भी मैं उही केस लैंदा जिहड़े कि ग्रुप फाइटिंग में है किसी को पता नहीं बच्चे नजायज़ 20 बंदे होंगे कौन किसी मार रहा लड़ाई झगड़े बंदे जख्मी हो गए हॉस्पिटल जाके डैथ हो गई किसी को पता नहीं किन्ने मारे किन्ने बंदे ने मारे कहने का मतलब मतलब जो मतलब नजायज़ भी फस जाते बिल्कुल जिन्होंने वारदात नहीं की हाँ जी हाँ जी छुड़ाने पैंते इसलिए दूसरा जो मैं सिर्फ फांसियां माफ करा रहा मैं सजा कभी घट नहीं कराई जी जी सिर्फ फांसियां तां कर रहे हैं कि इन्होंने बच्चों ने गलतियां की इन्होंने जो पेरेंट्स है बजुर्ग जिन्हें है वो सारे ये दुख है झेल रहे हैं उन्होंने बचाने लिए सैकंडली नवा साहब एक बार गल बहुत क्लीयर करनी चाहता मैं जो सवाल किया कि मैं तीन तरह के केस जे कि इंटेंशनली किए जा वो मैं कभी नहीं लगा ग्रुप फाइटिंग में किसी ने इंटेंशनली कुछ नहीं किया जी जी किसी को मारिया नहीं है लेकिन जेडे योजे केस ने जिस किसी एक बंद का कतल करता जान बुझ के कतल किया जी जी वो मैं केस कभी नहीं लगा दूसरा जोड़ा कि कोई रेप का केस हो गया वो भी जान बुझ के किया जाता है वो अचानक नहीं होता इस तरह नशे है साढ़े ड्रग्स का काम है वह मैं केस नहीं लगा क्योंकि वो भी जान बुझ के किया जाता है तीन तरह के केस मैं कभी ना लड़े ने और ना जल्दी कभी लड़ा लिया ठीक है इस करके मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा सिर्फ यह कि ग्रुप फाइटिंग जो साहब अखीर में मैं एक सवाल पंजाब मेल के दर्शकों लिए पूछना चाहूँगा कि जो अगे वो जो आने वाली पीढ़ी है जो पंजाबी नौजवान इतने रह रहे हैं दुबई च खास करके उन्होंने बारे थोड़ा की संदेश है भी वो किस तरह इतने रहन देखो मैं पूरी कैलकुलेशन की इस बारे शहर तक पहुँचे हैं कि रीज़न की है वो कि तबका जरा कि इस तरह की शराब की तस्वीर जाता है जो इलीगल काम करता वो उ बच्चे ने जोड़े कि पंजाब के लेबर पाए लेबर जो बच्चे भेजे जाते हैं वो करजे चुके भेजे जाते हैं किसी ने बैंक तो लोन लिया किसी ने जमीन गिरवी रखी है किसी ने मकान गिरवी रखे तो इस तरह के बच्चे आते हैं और इतने लेबर चाह के जो दिहाड़ी मिलती है उन्होंने सारी 800-700-800 ग्राम मिलती जेडे कि 14-15 हज़ार कुछ मिलती है और जोड़ा करजा चुके आते हैं पे करते हैं वो 10-12 हज़ार के महीने का तो बच्चा फिर यह सोचता है मैं 5000-6000 रुपये कमा भी रहा तभी जिंदगी भर मैं कर्जा नहीं ला सकता मैं मूल नहीं उतार सकता इंटरस्ट इंटरस्ट पड़ जाएगा ये सोच के बच्चा फिर यहाँ कमा चाहिए चलो जिंदी मनी पाओ जल्दी कम करो जिन्हें पैसे कमाए जाए कर्जा लाइए तो मैं यही सारे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने बच्चे जो अपने बच्चे भेजना स्किल भेजो चाहे कारपेंटर है मैसन है स्टेट टीचर है प्लम्बर है कुछ भी है तो इस तरह के जेड़े है वो कोर्सेस कराओ उन्होंने 6-6-8 महीने के उन्होंने इतने सैलरी जी 25-30-40 हज़ार सैलरी मिल जाती है और भी डिमांड भी है उस भेजो तो जो बच्चा जो आसानी अगर 20-25 हज़ार तक घर भी भेज देता है इतने अपना गुजारा भी कर लेगा तो यही मेरी बहुत बढ़िया सुझाया तो बनाए साहब अभी एक बार फिर तुम्हें जी दो जो तीन 10 कीमती जाना एक बार फिर दुबई च बचाइया वो तुम असी मुबारकबाद दें तो दुआ करते हैं कि जी थी संस्था वो होर भी दिन दुनी रात दुगनी तरक्की करे तो जे जिन्हें भी दुख तकलीफ जोड़े लोग है उन्होंने तुम अक्सर जिम्मे पहला हेल्प करते उस तरीके करते रहो बहुत बहुत धन्यवाद जी सत्या